Bofors, G90 tank, rocket launcher, Chinook, C-17 Globemaster, anti-tank missile, Rafale, Sukhoi, MiG-29, Jaguar. LAC पर बोफोर्स अब आग उगलेगी। भारतीय शूरवीर एक गोली से दर्जनों चीनियों का शिकार करेंगे। G90 टैंकों की गरज से अब हिमालय कांप उठेगा। LAC को लेकर चीन की हर पैमाइश का जवाब अब तोप के गोले देंगे। राफेल आएगा, चीन के हर मंसूबे तबाह कर जाएगा। भारतीय सैनिकों के शौर्य से हजारों सालों तक कांपेगा बीजिंग का जर्रा जर्रा। बड़बोले और शातिर चीन का ये नया प्रोपोगंडा वीडियो है। अक्साई चीन में जिनपिंग की सेना अपनी नकली ताकत का मुजाहरा कर रही है। कोई जिनपिंग को समझाता क्यों नहीं, अकेले में पटाखे फोड़ने और असली जंग लड़ने में जमीन आसमान का फर्क है। झूठ का प्रचार सिर्फ चीन का सरकारी मीडिया नहीं करता, बल्कि जिनपिंग भी मौका मिलते ही झूठ के दरिया में डुबकी लगाने से बाज नहीं आते। अब तो जिनपिंग ने हद कर दी, बड़े बाबू यूएन महासभा में गए और कह बैठे कि चीन एक शांति प्रिय राष्ट्र है, हम जंग नहीं चाहते। जिनपिंग सिर्फ इतने पर ही नहीं रुके, बोला और खूब बोला अगले आधे घंटे लगातार। जिनपिंग के हर झूठ और LAC पर उनके फरेब की पड़ताल, आप देखते रहिए हमारी खास पेशकश जिनपिंग, झूठ बोलना पाप है। जी, चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग ने यूएन महासभा के मंच से वो बातें कही जिनसे उनका दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं। मसलन चीन शांति चाहता है, किसी भी मुल्क के साथ जंग का कोई इरादा नहीं है, ना तो वो कोल्ड वॉर चाहता है और न ही हॉट वॉर की पैरवी करता है। चीन के फरेब और LAC पर अमन की मुखालफत के बारे में दुनिया जानती है। सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस कंसल्टेंसी फर्म स्ट्रैटफोर्ड ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि चीन ने भारत से सटी सीमा के करीब पिछले 3 साल में 13 नए सैन्य ठिकाने बनाए। इनमें 3 एयरबेस, 5 एयर डिफेंस यूनिट्स और 5 हेलीपैड शामिल हैं। चीन ने 2017 में डोकलाम विवाद के बाद इन ठिकानों को तैयार किया और यानी एक बार फिर से चीन ने अपना दो मुहार रवैया दुनिया के सामने जाहिर कर दिया है कि खुले मंच से चीन शांति की बात और LAC पर जंग की तैयारी दोनों करता है। वहीं तिब्बत की राजधानी लासा से चीन का एक और झूठ सामने आया। चीन की सेना तिब्बत की राजधानी लासा में इन दिनों चेतावनी सायरन बजा रही है। इस दौरान चीनी सेना आसपास के इलाकों में बम फोड़ती है, लोगों को घरों में रहने की हिदायत दी जाती है और माहौल ऐसा बनाया जाता है कि जैसे भारत ने चीन पर हवाई हमला कर दिया है। ये तस्वीरें देखिए, चीन ने चेतावनी सायरन उस वक्त बजाया जब LAC के करीब भारतीय सीमा से राफेल फाइटर जेट गुजर रहे थे।
थल सेना से लेकर वायुसेना तक भारत के मुकाबले चीन कहीं नहीं टिकता। चीन भले ही भारत को गीदड़ भभकी देता है, लेकिन चीन के हौसले पस्त हैं। गलवान से पैंगोंग और ब्लैक टॉप तक भारत ने पराक्रम की जो नई परिभाषा लिखी है, उससे एक बात तो चीन को समझ में आ गई कि अब LAC पर कोई भी हरकत करना उसके लिए बहुत भारी पड़ सकता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी साफ कर दिया कि अब वक्त आ गया है कि भारतीय सेना यथास्थिति बहाल करने के लिए कार्रवाई करे। चीन ने 38,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन लद्दाख में और 90,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन अरुणाचल प्रदेश में अवैध तरीके से जो कब्जा कर रखी है वो भारत की है, ये साफ कर दिया गया। चाइना को डिप्लोमेटिक तथा मिलिट्री चैनल्स के माध्यम से यह अवगत करा दिया, इस प्रकार की गतिविधियां यथास्थिति को यानी स्टेटस को एक तरफा बदलने का प्रयास है। और यह भी साफ कर दिया कि यह प्रयास हमें किसी भी सूरत में सभापति महोदय मंजूर नहीं है। यह दो कुछ शब्दों में यह चाइना को बता दिया। सुना आपने, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ कर दिया है कि भारतीय सेना देश की गरिमा पर कहीं से भी दाग नहीं लगने देगी। सेना ने भी LAC पर सदी के सबसे बड़े युद्ध की तैयारी शुरू कर दी है। इस बार हिमालय एक ऐसी जंग का साक्षी बनेगा जिसकी कहानियां हजारों सालों तक याद रखी जाएंगी। आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रहे इस हेलीकॉप्टर का नाम चिनूक है। चिनूक बड़ी तादाद में सेना के जवानों, रसद और हथियारों को LAC पर पहुंचा रहा है। LAC पर इस वक्त जंग जैसे हालात हैं। चीन और भारत के बीच सारा विवाद LAC यानी वास्तविक नियंत्रण रेखा को लेकर है। अब ये समझिए कि LAC क्या है। LAC वास्तविक नियंत्रण रेखा है, ये चीन और भारत के बीच की सीमा है। वास्तविक नियंत्रण रेखा की अवधारणा 1993 में एक द्विपक्षीय समझौते में आई थी। हालांकि भारत और चीन के बीच जमीनी स्थिति पर ठोस समझौता नहीं हुआ था। LAC भारतीय नियंत्रित इलाके को चीनी नियंत्रित इलाके से अलग करता है। ये एक बड़ा खाली सा इलाका है जहां भारत और चीन की सेनाओं द्वारा लगभग 50 से 100 किलोमीटर की दूरी बनाए रखी जाती है। चीनी सरकार LAC को लगभग 2000 किलोमीटर मानती है, जबकि भारत LAC को 3488 किलोमीटर मानता है। LAC को तीन इलाकों में बांटा गया है, लद्दाख में पश्चिमी क्षेत्र, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में मध्य क्षेत्र और पूर्वी क्षेत्र जो अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम तक फैला है। द्विपक्षीय समझौतों एवं प्रोटोकॉल के अनुसार शांति एवं स्थिरता सुनिश्चित किया जाना चाहिए, लेकिन सभापति महोदय, इसके बावजूद चीन की गतिविधियों से यह पूरी तरह से स्पष्ट है, उसकी कथनी और उसकी करनी में अंतर है। और इसका प्रमाण है कि जब डिस्कशन चल ही रहे थे, चीन की तरफ से 29 और 30 अगस्त की रात को प्रोवोकेटिव माने उकसाने वाली, भड़काने वाली है सैनिक कार्रवाई की गई, तो चीन की तरफ से की गई, भारत की तरफ से नहीं की। दरअसल चीन ने लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश के बहुत बड़े इलाके पर कब्जा कर रखा है। भारत और चीन के बीच लड़ाई की यही सबसे बड़ी वजह है। पाकिस्तान ने भी भारत के बहुत बड़े इलाके पर अवैध कब्जा कर रखा है। अक्साई चीन भारत का इलाका है, लेकिन वहाँ चीन का कब्जा है। अब इसे मैप के जरिए समझिए। अक्साई चीन में चीन ने 32,244 स्क्वायर किलोमीटर एरिया पर कब्जा कर रखा है। शक्सगाम वैली में भी चीन ने 6,993 स्क्वायर किलोमीटर एरिया जबरन कब्जा रखा है। इसके अलावा गिलगित बल्टिस्तान में पाकिस्तान ने 72,971 स्क्वायर किलोमीटर एरिया चीन को दे दिया है। चाइना लद्दाख में भारत की लगभग 38,000 स्क्वायर किलोमीटर भूमि का अनधिकृत या कब्जा किए हुए। चीन से मुकाबले के लिए सेना तैयार, चौकस और चाक चौबंद है। चीन को सबक सिखाने के लिए LAC पर अभूतपूर्व तैयारी की गई है, क्योंकि मोदी सरकार ने यह तय कर लिया है कि बात अगर शांति से होगी तो ठीक, नहीं तो चीन को हथियारों से जवाब दिया जाएगा। अमित सिंह के साथ शिवांगी बख्शी, इंडिया न्यूज़।
भारत बुद्ध का देश है, हम युद्ध में विश्वास नहीं रखते, लेकिन चीन की फितरत धोखे की है, वो मौका पाते ही वार करता है और इसलिए चीन के खिलाफ एलएसी पर भारत ने भी जंग की मुकम्मल तैयारी कर ली है। भारत की जंगी तैयारियों को देखकर चीन के होश फाख्ता हो गए। सिर्फ इतना ही नहीं, उत्तर में पेंगोंग सो के फिंगर फोर से लेकर फिंगर एट तक चीन की हर हलचल और हर चाल पर भारत का निशाना है। इस इलाके में चीन को आक्रामक जवाब देने के लिए भारत ने बोफोर्स तोप और T-90 टैंक की तैनाती कर दी है। ये दोनों ही हथियार पहले भी पहाड़ी और बर्फीले इलाकों में लगातार दुश्मन के दांत खट्टे कर चुके हैं और बोफोर्स वो तोप है जो करगिल का वॉर हीरो भी माना जाता रहा है। करगिल की जंग में बोफोर्स तोप में पाकिस्तानी सैनिकों और पोस्ट की धज्जियां उड़ा दी थी। हमारी इस खास रिपोर्ट में देखिए कि कैसे बोफोर्स तोप चीन के मंसूबों को नस्तनाबूद करने वाली है। भारत की इस वॉर मशीन को देखिए, ये चीन का साक्षात्कार है। लद्दाख के पहाड़ी इलाकों में बोफोर्स तोप दुश्मन की ईंट से ईंट बजा देगा। चीन को सबक सिखाने के लिए भारत ने एलएसी के अलग अलग इलाकों में बोफोर्स तोप की तैनाती की। मसलन ब्लैक टॉप, हेलमेट टॉप और मगर हिल। जब से चीन ने सुना है कि एलएसी पर मुकाबले के लिए बोफोर्स तोप की तैनाती की गई है, उसकी हालत खराब है, क्योंकि चीन इस बात को बेहतर तरीके से जानता है कि करगिल की जंग में बोफोर्स की वजह से ही पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा था। क्योंकि पहाड़ी इलाकों में बोफोर्स के हमले के सामने कोई नहीं टिकता। बोफोर्स तोप की गिनती दुनिया के सबसे घातक तोपों में होती है। कम वजन होने की वजह से इसे जंग के मैदान में कहीं भी आसानी से डिप्लॉय किया जा सकता है। बोफोर्स एक मिनट में 10 गोले दागने की ताकत रखता है। इसे खास तौर पर पहाड़ी इलाकों में जंग के लिए डिजाइन किया गया। बोफोर्स तोप को घातक बनाती है उसकी स्पीड। करगिल में बोफोर्स ने अपनी दूर तक वार करने की क्षमता की वजह से दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिए थे। बोफोर्स 42 किलोमीटर तक मार कर सकती है और इसका बैरल 70 डिग्री तक घूम सकता है। ये जमीन के अंदर बंकर में बैठे दुश्मन को भी मार गिराने का मादा रखती है। मर्सिडीज के इंजन वाली बोफोर्स गन 68 हॉर्स पावर से लैस है। इसमें दो इंजन हैं और हर इंजन की फ्यूल कैपेसिटी 22 लीटर है। सिर्फ 14 सेकंड में 3 राउंड फायर करने वाली बोफोर्स को छोटे और सकरे रास्तों पर बेहद आसानी से ले जाया जा सकता है। हिंदुस्तान 1962 का हिंदुस्तान नहीं है, आज का हिंदुस्तान 2020 का हिंदुस्तान है, जहां प्रधानमंत्री जी की इच्छा शक्ति बहुत ही शक्तिशाली है, प्रबल है। रक्षा मंत्री जी कितना मेहनत करते हैं और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से फौज का मॉडर्नाइजेशन हुआ है और मोराल बूस्टिंग हुआ है प्रधानमंत्री जी के द्वारा। बोफोर्स के अलावा एलएसी पर चीन को सबक सिखाने के लिए दुनिया का सबसे खतरनाक वॉर बीस्ट T-90 टैंक भी तैनात किया गया है। अब जरा इसका दमखम देखिए। बोफोर्स के बाद रही सही कसर T-90 टैंक पूरी कर देंगे। T-90 भीष्म टैंक भारतीय सेना का सबसे अहम हथियार है। T-90 दुनिया के सबसे हल्के टैंकों में शुमार करता है।
इसी वजह से T-90 को चिनूक हेलीकॉप्टर की मदद से LSE के मुखपरी, स्पांगुर हिल, ब्लैक टॉप, हेलमेट टॉप और मगर हिल पर प्लांट किया गया है। T-90 की स्पीड इसे बेहद खतरनाक बनाती है। T-90 टैंक एक मिनट में 8 गोले दाग सकता है। T-90 टैंक जैविक और रासायनिक हथियारों से भी मुकाबला कर सकता है। ये 6 किलोमीटर की दूरी तक मिसाइल लॉन्च कर सकता है। इसमें 125 बैरल की गन लगे होती है। T-90 टैंक दिन हो या रात हर वक्त दुश्मन पर हमला कर सकता है। T-90 भीष्म टैंक में मिसाइल हमले रोकने वाला कवच है। इसमें शक्तिशाली 1000 हॉर्स पावर का इंजन है। ये एक बार में 550 किलोमीटर की दूरी तय करने का मादा रखता है। यानी इंडियन आर्मी के ये दोनों वीर T-90 टैंक और बोफोर्स तोप चीन की सेना को धूल चटाने के लिए अकेले ही काफी हैं। अमित सिंह के साथ शिवांगी बख्शी, इंडिया न्यूज। चलिए इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी हैं, बने रहें।